आज से 26 साल पहले अक्टूबर महीने में ही सलमान खान पर एक ऐसा आरोप लगा जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। 1 अक्टूबर 1998 को सलमान खान पर 2 काले हिरण मारने का आरोप लगा। इतने सालों बाद भी कानूनी लड़ाई जारी है। इस बीच इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो चुकी है, जिसका कहना है कि सलमान अगर बिश्नोई समाज से माफी मांग ले तो वो उनसे दुश्मनी खत्म कर देगा। सलमान साफ कर चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं उनके छोटे भाई अरबाज खान ने आज तक से बातचीत में कबूल किया है कि ये परिवार के लिए मुश्किल वक्त है और प्रशंसकों का प्यार कठिन समय में परिवार को ताकत देता है। काले हिरण या ब्लैक बक को इंडियन एंटेलोप भी कहा जाता है। ये आम तौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं, लेकिन इन काले हिरणों को लेकर दो जानकारी भारत अब करीब करीब आम हो चुकी है। पहली ये कि बिश्नोई समुदाय से इनका रिश्ता सदियों पुराना है। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरणों को प्यार करते हैं, उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। और दूसरी ये कि सलमान खान और काले हिरण का नाम जब एक साथ आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉलीवुड का दबंग मुश्किल में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान पर खतरा बताया जा रहा है, जिसकी वजह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी है, जिसका सिरा काले हिरणों को मारने से जुड़ा है। मेरा एक ही लक्ष्य है, सलमान खान को मारना। सलमान खान को हम एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, अगर सलमान हमारे बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग लेगा तो हम उसे छोड़ देंगे। बिश्नोई समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगे सलमान खान, वरना आज हो या कल सलमान खान को जरूर मारेंगे। मुंबई में वहाँ फार्म हाउस की रेकी की कितनी बार, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है, काले रण का शिकार करा है। वो पवित्र मानते हैं काले रण को, ठीक है, जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं रण को। उसको मारे हैं उन्होंने उनके घर पे जाके जोधपुर में, तो हम मारेंगे जी, उसको जरूर मारेंगे। उसको माफी मांगने को क्या था भाई साहब ने, उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं जी, कभी समाएगा उसका जरूर, अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। लॉरेंस उस बिश्नोई समुदाय से आता है जिसने आज से 26 साल पहले सलमान खान पर राजस्थान के जोधपुर में 2 काले हिरणों का शिकार करने के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। ये मामला अदालत पहुंचा और जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया और मामला अभी हाई कोर्ट में है। लेकिन इतने साल बीत जाने पर भी बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ करने को तैयार नहीं है और उन्हें लॉरेंस की तरह अपराधी मानता है। और हमारी नजर में तो सलमान खान भी जितना दोषी है उतना भाई अपने लॉरेंस भी दोषी है, क्योंकि इसने ब्लैक बक मारा है। हम लोग ब्लैक बक किसी जीव की हत्या के खिलाफ है और लॉरेंस ने भी जो जीव हत्या कर रहा है वो भी हम लोग उसके भी खिलाफ है। हमारे नजर में दोनों अपराधी। बिश्नोई समाज से आने वाले लॉरेंस की भी नाराजगी काले हिरणों के शिकार को लेकर, जिसे वजह बताकर वो सलमान खान के घर फायरिंग करवा चुका है। सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या कर चुका है। इस मामले पर सलमान खान के परिवार की तरफ से पहला बयान आया है। आज तक के साथ खास बातचीत सलमान खान के भाई अरबाज खान ने कहा, बाबा सिद्दीकी की हत्या से उनका परिवार पूरी तरह सदमे में है। एक करीबी दोस्त होने के अलावा वो बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र के नेता भी थे, जहां खान वर्षों से रहते आए हैं। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी और सलमान की सुरक्षा के बारे में चर्चा से बचते हुए अरबाज ने कहा कि प्रशंसकों का प्यार कठिन समय में परिवार को ताकत देता है। लेकिन सवाल यह है कि जो बिश्नोई समाज काले हिरणों के बीच रहते हैं, जिन काले हिरणों के लिए बिश्नोई समाज सलमान खान के खिलाफ खड़ा हो गया, क्या वो बिश्नोई समाज सलमान खान को माफ कर देगा? क्या सलमान खान बिश्नोई समाज से माफी मांगेंगे और सलमान के माफी मांगने से लॉरेंस उनसे दुश्मनी खत्म कर देगा?
माफ करने वाला तो समाज है, लॉरेंस को किसने का ठेकेदार है? देखो वहां गुरु महाराज की समाधि पे कई लोग आके माफी मांगते हैं और माफ किया जाता है, कोई ठेकेदार की जरूरत नहीं है वहां। गलती मान लो कोई विश्नोई से भी कोई गलती हो जाती है तो वो भी गुरु महाराज से माफी मांगता है, उसको भी माफ किया जाता है। और कोई भी इंसान से वो जो भगवान के द्वार पे आके माफी मांगता है तो वो माफ किया जा सकता है, इसमें ठेकेदारी की कोई बात नहीं है। एक सवाल ये भी है कि वो मंदिर कौन सा है जहाँ पर उन्हें माफी मिल सकती है, वो कहाँ है? वहीं जाकर माफी मांगने के बाद लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब ये तस्वीर है जो बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा धर्म स्थल, सबसे पूज्य जगह है। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने बिश्नोई समाज की सबसे पवित्र जगह पर जाकर लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या सलमान को माफी मिल सकती है, वो लॉरेंस की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शरद कुमार को यहाँ लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी के बारे में वो बात पता चली जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की जो दादा थे साहब राम, वो भगवा में रहते थे और काफी धार्मिक थे। बाद में उन्होंने अपने गुरु के कहने पर जाके गृहस्थ बसाई थी, तो परिवार भी लॉरेंस बिश्नोई का एक धार्मिक रहा है। यहाँ लोग भी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई एक बिश्नोई है, मगर सलमान खान का जो मसला है पहले वो माफी मांगने के बारे में सोचे, तब यहाँ पर समाज के लोग इसके बारे में सोचेंगे। कैमरामैन के शर्मा के साथ शरद कुमार, मुकाम बीकानेर आज तक। इस साल 14 अप्रैल को सलमान के घर पर फायरिंग हुई तो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने बिश्नोई समाज से सलमान को माफ करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि समाज के लोग सलमान की गलती को माफ कर दें क्योंकि एक्टर से छोटी उम्र में गलती हुई थी। इसके बाद बिश्नोई समाज ने एक खास मंदिर का जिक्र किया था। आखिर वो मंदिर कहाँ है, बिश्नोई समाज के लिए क्यों अहम है? उसकी भी भावना है जीवों के प्रति, जो वो कह रहा है भाई जीव हत्यारा है तो हत्यारा है सलमान खान, इसमें कोई दोहरा नहीं। कोई भी सलमान खान गलत काम किया दोषी सलमान खान है, ना कि लॉरेंस बिश्नोई, उन्होंने अपराध सलमान खान ने किया है। उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आगे मंदिर में माफी मांगे तो समाज सोच सकता है माफी देने के बारे में। ये बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा धर्म स्थल मुकाम मुक्ति धाम है। बिश्नोई समाज की 540 साल पहले स्थापना करने वाले गुरु जम्भेश्वर महाराज मुकाम में समाधि ली थी, जिसके बाद से ये जगह बिश्नोई समाज के लिए बहुत अहम है। गुरु जम्भेश्वर महाराज ने 540 वर्ष पहले बिश्नोई समाज के धर्म की स्थापना की थी। ये मुकाम मुक्ति धाम है जहाँ पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपनी समाधि ली थी और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आते हैं। गुरु महाराज ने 540 वर्ष पहले सम्रातल धोरा पर बिश्नोई पंथ का पंथ प्रवर्धन किया। सम्राट धोरा पर गुरु महाराज ने 51 वर्ष तपस्या की। तपस्या के दौरान मानव समाज को जीव और जीने की युक्ति 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान की जो मानव मात्र जीव जंतु के लिए कल्याणकारी है। गुरु महाराज का सिर साटे रूंक रहे सस्त हो जान, यदि सिर चला जाए और रूंक बच जाए, प्रकृति पर्यावरण जीव जंतु बच जाए तो अच्छा है, इंसान का कोई मूल्य नहीं। इस तरह बिश्नोई समाज के लिए प्रकृति और जीव जंतु एक भावनात्मक मुद्दा है जिनकी सेवा करने का आदेश उनके गुरु से मिला है, लेकिन क्या बिश्नोई समाज क्षमा करने का कोई नियम है? सलमान खान एक दुनिया का अपराधी है जिसने प्रकृति के सौंदर्य जीवों की हत्या की है, और एक हत्यारा होता है वो कृत्य करके बाद में उसके पश्चाताप होता है। ये मीडिया वाले कह रहे हैं माफी मांगे या वो कह रहे हैं, खुद में अपराधी के मन में ये होना चाहिए मैंने अपराध किया है, और गुरु महाराज ने कहा है अपराधी मन में उस गलत कृत्य के लिए क्षमा की भावना हो, वो वहां से कहे भाई बिश्नोई समाज मुझे माफ करे और मैंने गलत कृत्य किया है, जीवों को मारा है, अपराध किया है, तो बिश्नोई समाज गुरु महाराज की नियम अनुसार सोच सकता है। वो समाज का मामला है, वो विचार बाद की बात है, अपराधी अपराध स्वीकार करे उसके बाद की बात है। अभी तक तो अपराधी बहुत अपराध करने के बाद में पैसों के चक्र में, धन बल के चक्र में, कोर्टों के चक्र में अपना अपराध छिपाने के लिए घूम रहा है। अपन जीव हत्या किस बात से की? सलमान खान ये स्वीकार करता है आम समाज के सामने माफी वाफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से, तो देखो क्या क्या वो करते हैं विचार। वो बिश्नोई समाज जानवरों की रक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए जाना जाता है। 1730 में जोधपुर के पास खेजडली गांव में पेड़ों को कटने से बचाने के दौरान 362 बिश्नोई मारे गए थे। ये नरसंहार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुआ। उनके सैनिकों को एक नया महल बनाने के लिए
लकड़ी लाने के लिए खेजड़ी के पेड़ों को काटने के लिए भेजा था, लेकिन अमृता देवी नाम की एक महिला के नेतृत्व में बिश्नोई समुदाय ने इसका विरोध किया। अमृता देवी और अन्य लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए उनसे लिपटकर प्रतिरोध का साहसी काम किया। इस घटना को 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। बिश्नोई समुदाय का काले हिरणों और चिंकाराओं के साथ रिश्ता आध्यात्मिक श्रद्धा से कहीं बढ़कर है। ये एक गहरा सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रिश्ता है। सदियों से बिश्नोई समुदाय इन जानवरों के साथ सद्भाव से रहते आए हैं, अक्सर उनके संसाधनों को साझा करते हैं और उन्हें नुकसान से बचाते हैं। काले हिरणों के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से क्यों नाराज है, अगर मुकाम मुक्ति धाम आप आए तो आप समझ सकते हैं। देखिए वो जगह आपको दिखाई दे रही, वहीं पर गुरु जम्भेश्वर महाराज ने अपना प्रवचन दिया था, ज्ञान दिया था, और यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह से हिरणों को पाला गया है। ब्लैक बक भी, इसमें काले हिरण भी आपको दिखाई दे देंगे। ये हिरण यहाँ तो जैसे घायल वगैरह आते हैं, जो ठीक हो जाता है ना वो वापस ओरण में वगैरह चला जाता है, खुद मतलब प्रकृति पे निर्भर करते हैं, या जो भी घायल है उसमें हिरण आते हैं। ये चिकित्सा रेस्क्यू सेंटर है मुक्तिधाम मुकाम का, और यहाँ आपसे कम से 100-200 हिरण है, नील गायें भी है। ठीक होने के बाद वो वापस जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, अपने आप चले जाते स्वस्थ हो गए। और ये प्रकृति बिल्कुल कितना सुंदर, देखो प्रकृति का एक सौंदर्य है बहुत ही, और ये बहुत डरपोक जीव है, और ये बहुत प्रकृति कोई नुकसान नहीं करता, ये अपने आप प्रकृति पे निर्भर रही है, फूल पेड़ पौधों की पत्ती खा करके अपना जीवन यापन करता है। सोचिए जिस समाज के लोग सूरज उगने का सिर्फ इसलिए इंतजार करते हो ताकि वो हिरणों को खिला सके, वो इन्हें कितना प्यार करते होंगे। प्यार का ही नतीजा है कि ये इनके बीच आजाद होकर बिना डर के घूमते हैं। इस समाज के ये आदर्श ही है कि साल 1998 से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद ये हथियार डालने को राजी नहीं है। शरद कुमार, बीकानेर, आज तक।